हाय यूट्यूब, दिस इज देव एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपने सेटअप का प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ। बारिश स्टार्ट हो गया है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा आया है इस बार मेरे बर्ड्स का। आप ये लेफ्ट साइड में पेड़ देख ही सकते हैं, पाइट का फीमेल लेफ्ट साइड में, मेल राइट साइड में, दोनों एक जैसे दिखते हैं। इन्होंने भी बेबीज निकाले हैं और बाकी भी मेरे बर्ड्स हैं जिस इन्होंने एग्स ले किए हुए हैं। बट स्टार्ट हम करेंगे बजीज से। बहुत दिन हो गए मुझे, लेकिन मैंने आपको जो है बजीज की प्रोग्रेस प्रॉपर दिखाई नहीं है, है ना। तो देखिए, इस पेड़ ने ब्रीडिंग करी थी, बच्चे इसने निकाले हैं। दूसरा वाला पेड़ है जो फीमेल अंदर घुसी हुई है, उसको लग गई है चर्बी, तो वो अभी अंडे बना ही नहीं पा रही है, वो अंडे दे ही नहीं पा रही है। खैर, बात करते हैं प्रोग्रेस का। तो प्रोग्रेस करिए, देखिए भाई, एक दो तीन, तीन हेल्दी बेबीज बजीज के बेबीज है, ठीक है। मैंने इन तीनों को रिंग डाल दिया हुआ है और तीनों ही फाइट निकले हैं, बहुत अच्छे। ये लगभग लगभग शो क्रॉस के साइज के बर्ड बेबीज निकालता है ये पेड़। हालांकि फीमेल या मेल मुझे पता नहीं कौन है, बट इनमें से प्लकिंग करता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाते हैं। मतलब बर्ड बच्चे इसके जो है हेल्दी ही जो बने रहते हैं। अब ये जल्दी नेस्ट आउट भी हो जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे अपने नेस्ट से। खैर, मैं ये करता हूँ बंद, ठीक है जी, एक मिनट। हाँ ठीक है, मैंने सही से बंद कर दिया, ठीक है। फिर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फीमेल ले रही, अंदर चली गई, मेल ले रहा। और बाकी एक और ये ब्लू मेल आया है, एक्चुअली दिव्यांश भाई का था, तो वो तो चले गए वापस अपने गांव, एंड उन्होंने जो है वापस मुझे ये मेल छोड़ के गए मेरे पास। एनीवे, तो भाई एक ये मैं मेल समझ के तो लाया हूँ इसे, बट पता नहीं शायद मेल है क्या है। ये कॉकटेल लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारी ग्यारी है, ग्यारी का जो हमारा मेल था वो उड़ गया था, तो उसके लिए एक नया मेल लाए हैं। अब आते हैं हीरो पे। हीरो वाला पेड़ ये रहा, आपको मैं पेड़ दिखा देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फिर से ब्रीडिंग करी है। और एक्चुअली गाइस, जो इनके मुंह पे आप सफ़ेद, मतलब ये पिंक पिंक कलर का देख रहे हैं ना कलर, ये बीट की वजह से है, ठीक है। मैं दो तरह का सॉफ्ट फूड देता हूँ, एक तो आप ये देखिए, ये दाल मिक्स है जो मैं इनको देता हूँ, साथ में बीट, गाजर एंड दूसरे वेजिटेबल्स भी जो है ना कूट कूट कर, ठीक है, कद्दूकस कर कर मैं इनको देता हूँ, ताकि ये बर्ड्स एक अपने बेबीज को बहुत ही अच्छे से खिला सके। ये देखिए काइंड ऑफ ऐसे। तो खैर, अब ये वाले केज में मैंने अपने हैंड फीडिंग बेबीज रख रखे हैं। ये वाला सामने वाला सेल्फ हो गया है, ये वाला भी लगभग लगभग खा ही लेता है, कुछ दिनों में सेल्फ हो जाएगा। ये वाला भी खा रहा है, ठीक है, खुद से। बाकी वो दोनों जो है हैंड फीडिंग पे पीछे, वो जो दोनों है पीछे, वो गैरी की बेबीज है। खैर, आगे बढ़ते हैं, हीरो के बेबीज दिखा देता हूँ। हीरो के बेबीज तो मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं, ठीक है। हीरो के बेबीज दिखाने के लिए मैंने, मुझे आना पड़ेगा पीछे यहाँ पे, और हीरो हीरोइन दोनों ही बाहर, हीरो के बेबीज अंदर। ये देखिए तीन बेबीज हैं, तीनों के पेट भरे हुए हैं। शायद मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये धरनियों पे टाइम रखा हुआ है, हैंड फीडिंग के टाइम पे काम आता है भाई। ये देखिए एक बेबी, ठीक है जी, ये एक बेबी है, ए गिर मत जाना, ये दूसरा बेबी है, ठीक है, और ये तीसरा बेबी है, ये रहा तीसरा बेबी। तो इसमें एक ग्रे आया है और दो आए हैं लुटिनो, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये पेट में जो है ना, इन्होंने बीट रूट बहुत खिलाया था। ये मतलब बीट रूट मेरे बर्ड्स का फेवरेट है। ये देखिए, ये लाल लाल दिख रहा है, ये पूरा इन्होंने बीट रूट खिलाया हुआ है। ये देखिए इसको भी बहुत ज़्यादा बीट रूट बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, एंड बीट रूट अगर उनको मिल जाए ना, तो किसी और चीज़ को फिर वो खिलाते नहीं है। ये इधर मुंह पे भी लग गया है, चिपक गया है। खैर, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। बेबीज अभी छोटे हैं, बेबीज को रख देता हूँ मैं अंदर एक एक करके। एक चला गया, दूसरा चला गया, और तीसरा भी, ये रहा तीसरा भी चला गया, ठीक है। ये मैंने तीनों बेबीज को रख दिया। अब इस नेस्ट बॉक्स को कर देते हैं हम बंद, और हम आगे चलते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये भाई ये मेरे टीम वाले टीम बजी है, ये मेरे टीम बजी है, ये मेरी टीम कॉकटेल है। इसको इनको तो सबको पता ही होगा आप लोगों को। अच्छा, इधर पैरेटलेट की ब्रीडिंग दिखाता हूँ भाई। तो पैरेटलेट की अच्छी ब्रीडिंग आई है इस बार, अंडे वंडे इन्होंने ले कर दिए। इसमें से प्योर ग्रीन का मेल है, मतलब इसके साथ आप कुछ भी लगाएंगे सिर्फ ग्रीन ही मिलेंगे आपको चिक्स।
इसमें से बॉक्स में मैं देखता हूँ, फीमेल ने आज ही एक अंडा ले किया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हट जाओ, साइड हटो, साइड हटो यार, इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पता है। मैं कैसे दिखाऊँ आपको, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा साइड हो जाओ। गाइस मैं इसको हटा नहीं पाऊँगा, बट मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर जो है ना, इसमें एक इसने अंडा दिया है, आज ही दिया है, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक ये मेरे पास पेयर है, जिसमें इसमें से जो है तो ये देखिए पाइड का मेल है, ठीक है। इसका नाम पता ही होगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो पता है आपको, इसका नाम माइलो है। इसमें मैंने ब्लू कलर की फ़ीमेल लगाई थी, जो मेरी ब्रीडर फीमेल है। इसके जो है 3 अंडे हैं, मैं इसको हटा दूँ। हट जाओ, हट जाओ। कई दिन पैरेटलेट्स को हटाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कैसे हटाऊँ, रुकिए। तो भाई मैंने यहाँ पे ले ली है नीम की डंडी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें दिख रहे 2 अंडे तो आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली इसके 3 अंडे हैं। ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, क्या पता ये फोड़ दे, इनका भरोसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। एक ये है पेयर, जिसमें ब्लू कलर का मेल है। यार इसकी फीमेल ने अंडे तो बहुत ले कर हैं, बट कई बार ना इसके एग्स ख़राब हो गए हैं। होपफुली इस बार कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। इसने भाई 2-3 अंडे दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा हटा के दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, देखिए इसके भी 3 अंडे हैं, ठीक है। ये इसने 3 अंडे दिए हुए हैं। मेल आपको फिर से दिखाता हूँ, ये मेल एक्चुअली सबसे बड़ा मेल है मेरे पास, सबसे एजेड मेल है मेरे पास। और एक ये मेल, इसने मतलब मेरे पास बहुत ही ब्रीडिंग करी है, और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करी है। और इसके जो बेबीज निकलते हैं ना, इसके बेबीज निकलते हैं बिल्कुल ब्लू कलर के, और बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। यही मेरा पहला पेयर है, पेयर तो नहीं मतलब मेल है, जिसने सक्सेसफुली ब्रीडिंग करी थी। और जो फीमेल है वो मैंने इसके पाइट को दे दिया, और इसको न्यू फीमेल दी थी मैंने, ब्लू कलर की फीमेल, इसने अंडे लेके आए हैं। इसकी फर्स्ट ब्रीडिंग है ये आप बोल सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, अगर मैं हटा के दिखाना चाहूँ आपको तो इसके भी 3 से 4 अंडे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली इसको छेड़ो तो ये अंडे फोड़ देती है, इसने पिछली बार 2 अंडे दिए थे, इसने फिर फोड़ दिए। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं करता हूँ ये बंद, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लबर्ड का। तो मुझे गाइस लबर्ड का ही बहुत ज़्यादा वो था कि लबर्ड कैसे कब ब्रीड कराऊंगा मैं। तो लबर्ड में मेरे पास मैंने एक पेयर लिया था, पता ही होगा आपको, सनी एडल्ट पेयर लिया था, जिसमें ग्रीन मेल था, ग्रीन ऑफलाइन मेल, लुटीन ऑफलाइन की फीमेल थी। एंड मैंने हमेशा से कहा है कि आप लोग जो है हमेशा सेमी एडल्ट बर्ड लीजिए, पट्टे लीजिए, उनको तैयार करिए, एंड देन उनकी जो ब्रीडिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। नेस्टिंग मटेरियल इसने डाला था, फीमेल बाहर निकल गई है, और इसने आज ही पहला अंडा डाला है, देखिए फर्स्ट एक इसने आज ले किया है, बहुत प्यारा। एंड फीमेल वो देखिए, फीमेल मैं आपको दिखाता हूँ, मेल फीमेल दोनों ही रहे, ठीक है। एंड होपफुली शायद अब लबर्ड में कई बार पहला दूसरा क्लच खराब भी हो जाता है, बट लेट्स होप कि इनमें से ये भी निकले। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है, इतना ही था। मेरे पास ये 2 मेल्स एक्स्ट्रा हैं, इन दोनों मेल्स के लिए हम 2 फीमेल्स लाएंगे, ठीक है। एंड देन आपको बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, और देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी पेटिंग। बाय बाय।